हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सी आर एस गुप्ता। आप देख रहे हैं एजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अभी अभी सीबीएसई के द्वारा एक नया सर्कुलर इशू किया गया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है आईटीसी ट्रांसफर के लिए। फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं अपना बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने अपनी सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज किसी दूसरे बिजनेस को दे दी, ठीक है, किसी भी वजह से ट्रांसफर कर दिया फ्रेंड्स, या फिर मैंने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी अपनी यूनिट, जो भी है। तो फ्रेंड्स, हम जो भी अपनी मेरी बुक्स में मेरा आईटीसी खड़ा होता है, जीएसटी का बैलेंस खड़ा होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जिसका भी जो भी इनपुट खड़ा है, वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं दूसरी यूनिट को, जिसको मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, वो उसी को ही मैं अपना सारा आईटीसी ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। उसको कौन सा सेक्शन गवर्न करता है फ्रेंड्स? सेक्शन 18(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे ट्रांसफर जो अपना आईटीसी करना है, उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? फॉर्म ITC 02 भरना पड़ता है, समझ गए फ्रेंड्स? मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं अपना बिजनेस किसी को सेल करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, तो मैं अपना जीएसटी का बैलेंस भी सामने वाले को ट्रांसफर करूंगा, जो भी खड़ा होगा, तो उसके लिए मुझे फॉर्म भरना पड़ता है फ्रेंड्स, फॉर्म ITC 02। अच्छा, अब इसी के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो फ्रेंड्स, अब दिक्कत क्या आ रही थी वो देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कहते हैं डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है फ्रेंड्स? मान लो मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मैंने उसकी दो यूनिटें बना दी, ठीक है, एक का नाम दे दिया एबीसी, एक का नाम दे दिया XYZ, कुछ भी दे दिया मैंने नाम, मतलब कि अपने बिजनेस को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, समझिए। या फिर ये हो सकता है कि मेरा, मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने आधा बिजनेस अपने में से आधा बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दियो, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये बताइए, इन केसेज में जो मेरा आईटीसी का बैलेंस है वो मैं कितना ट्रांसफर करूंगा, ये दिक्कत आ रही थी फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। चलो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या आ रहा था, ये देखते हैं। इन केस ऑफ डीमर्जर दैट द आईटीसी शैल बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स एज स्पेसिफाइड इन द डीमर्जर स्कीम। जब डीमर्ज किया जाता है तो ये कहता है कि जो आईटीसी होते हैं, जो टोटल आईटीसी है, ठीक है, जो टोटल आईटीसी है, वो डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मान लो 100 रुपए का आईटीसी खड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, टोटल एसेट्स भी 100 रुपए की हैं, लेकिन एक यूनिट में तो जाएगी 60 रुपए की, दूसरी में चली गई 40 रुपए की, तो जो आईटीसी है वो भी इसी प्रोपोर्शनेट में डिवाइड हो जाएगा। 60 रुपए तो एक यूनिट के पास आ जाएगा, दूसरा 40 रुपए दूसरी यूनिट के पास चला जाएगा। अब दिक्कत क्या हो रही थी, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ये देखिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। However, it is not clear as to whether the value of the asset of the new unit is to be considered at state level or at all India level. State level पे consider की जाएगी या पूरे की पूरे India level basis पे consider की जाएगी, समझे? मान लो फ्रेंड्स मेरी एक हरियाणा में यूनिट चल रही है, एक दिल्ली में यूनिट चल रही है, मैंने दोनों का डीमर्जर कर दिया। हरियाणा वाली भी यूनिट ए थी, एक और यूनिट बना दी बी, और दिल्ली वाली एक यूनिट थी एक्स, उसकी बना दी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता था, जो आईटीसी ट्रांसफर किया जाएगा हरियाणा वाली और दिल्ली वाली यूनिट का, दोनों की एसेट्स जोड़ूं और फिर मैं देखूं प्रोपोर्शनेट, या फिर हरियाणा वाली का हरियाणा के साथ और दिल्ली वाली का दिल्ली वाली के साथ किया जाए, तो इसी चीज के ऊपर इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द न्यू यूनिट इट टू बी टेकन
एट स्टेट लेवल एंड नॉट एट द ऑल इंडिया लेवल, मतलब स्टेट लेवल वाइज पे कंसिडर की जाएगी फ्रेंड्स, ना कि पूरे के पूरे इंडिया लेवल बेसिस पे कंसिडर करनी है। मतलब कि मैं जब हरियाणा वाली का प्रोपोर्शनेट कर रहूंगा तो मैं हरियाणा वाली की एसेट्स लूंगा, हरियाणा वाली बैलेंस शीट उठाऊंगा, और जो दिल्ली वाली का मैं ट्रांसफर करूंगा तो दिल्ली वाली बैलेंस शीट उठाऊंगा, ना कि मैं दोनों को एक्यूमुलेट करूंगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए एक कंपनी है एक्स वाई जेड जो कि रजिस्टर्ड है टू स्टेट में, एमपी में भी और यूपी में भी, उसकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स 100 करोड़ है, लेकिन जो एमपी की है एसेट्स वो है 60 करोड़ और यूपी की है कितनी 40 करोड़। इसने एक डिमर्ज किया बिजनेस का और कंपनी बना दी एबीसी। पहले एक्स वाई जेड थी फ्रेंड्स जिसकी दो यूनिटें थी, एक एमपी में एक यूपी में, एक नई कंपनी बनी एबीसी, ठीक है, और जो डिमर्जर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो 30 करोड़ की एसेट्स थी एमपी वाली वो चली गई एबीसी को, ठीक है, और जो 10 करोड़ की एसेट्स थी एबीसी की वो चली गई यूपी में, ठीक है, समझ गए। जो 30 करोड़ की एसेट्स थी वो ट्रांसफर कर दी एमपी में और जो 10 करोड़ की एसेट्स थी वो यूपी में, तो टोटल एसेट्स कितनी होगी फ्रेंड्स 40 करोड़ की ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे। लेकिन ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे तो देखना ही नहीं हमने, हमने किस बेसिस पे देखना है, स्टेट वाइज। ये देखिए लास्ट में जाके आ जाते हैं, अनयूटिलाइज्ड ऑफ आईटीसी ऑफ एक्स वाई जेड इन द स्टेट ऑफ यूपी विल बी ट्रांसफर टू एबीसी इन द रेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, केवल और केवल यूपी की एसेट्स देखी जाएगी, केवल और केवल यूपी के एसेट्स देखी जाएगी। जब एमपी वाले का ट्रांसफर कर रहे होंगे आईटीसी तो एमपी वाली एसेट्स देखी जाएगी। आगे होगा फ्रेंड्स समझ, चलो। अच्छा इन्होंने पूछा दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा था कि जो आईटीसी 02 है वो सभी स्टेट में भरना जरूरी है या केवल जिसमें ट्रांसफर किया गया उसी में, तो इसका जवाब दिया है फ्रेंड्स जिसमें ट्रांसफर किया गया, मतलब जहां पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड हुए हैं उधर ही आपको आईटीसी 02 भरने की जरूरत है। मान लो कोई मेरी यूनिट थी केरल में, उधर मेरा कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो केरल वाले का मुझे आईटीसी 02 भरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि है भी स्टेट लेवल वाइज पे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स फिर क्या कहता है, ये तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, अगर पार्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा हो तब भी फ्रेंड्स यही रूल एप्लीकेबल होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आप आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी देख लिए फ्रेंड्स। अच्छा अब चौथी चीज क्या हो रही है पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, वेयर द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रोविजन टू रूल 41(1) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स शैल बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ हेड ऑफ आईटीसी व्हिच सीजीएसटी एसजीएसटी आईसीजीएसटी सेस। इन्होंने कहा फ्रेंड्स कि जो हमने वैल्यू ऑफ एसेट्स का प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, ठीक है, तो जो ट्रांसफर किया जाएगा क्या सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और सेस को भी उसी प्रोपोर्शनेट में ट्रांसफर करना कंपलसरी है, या फिर मैं अपनी मनमर्जी से आईजीएसटी कितना भी ट्रांसफर कर लूं, सीजीएसटी कितना भी, एसजीएसटी कितना भी और सेस कितना भी। इसका जवाब दिया फ्रेंड्स इन्होंने, इन्होंने कहा है कि आप क्या करो, आप बस पहले तो ये देख लो कि आप आईटीसी ट्रांसफर कर कितना सकते हो। मान लो मेरा 1 करोड़ का आईटीसी खड़ा था, ठीक है, 40% एसेट्स ट्रांसफर हुई है तो मैं 40 लाख का ही आईटीसी ट्रांसफर कर सकता हूं, 1 करोड़ का 40%। अब ये तो निकाल लिया मैंने 40 लाख टोटल आईटीसी, तो क्या मुझे ये पार्टिकुलरली हर एक हेड वाइज भी ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सीजीएसटी का भी 40%, एसजीएसटी का भी 40%, आईजीएसटी का भी 40%। इन्होंने इस चीज के लिए कहा नहीं सर, आपको ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो इस एग्जांपल में मैंने कितना कहा, टोटल 40 लाख, तो आप बेसिक सीजीएसटी ट्रांसफर करो, बेसिक एसजीएसटी, बेसिक आईजीएसटी, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर पार्टिकुलरली हेड वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास जितना जिसमें बैलेंस खड़ा है ना, आप जिसका मर्जी जितना ट्रांसफर कर लो, प्रोवाइडेड उसमें बैलेंस खड़ा हो। चलो एग्जांपल दे रखा था फ्रेंड्स, ये देखिए मान लो दिल्ली का
70% है. टोटल था मेरा इनपुट 50 लाख, ट्रांसफर कितना कर सकता हूँ फ्रेंड्स मैं 35 लाख रुपए. ठीक है, तो अब मेरी मर्जी है, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने पूरा पूरा ट्रांसफर कर लिया, आईजीएसटी मैंने 15 लाख ट्रांसफर कर दिया. मान लो ये दूसरा एग्जांपल ले लो, टोटल आईटीसी था मेरे पास 70 लाख, एसेट्स ट्रांसफर हुई है 40%, तो टोटल आईटीसी कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ 28 लाख. मैंने सीजीएसटी अपनी मर्जी से 3 लाख कर लिया, एसजीएसटी कर लिया 5 लाख, बाकी कर लिया मैंने आईजीएसटी. मेरी मर्जी है फ्रेंड्स, हेड वाइज मेरी मर्जी है, बस टोटल आईटीसी देखना मैंने तो कितना ट्रांसफर कर सकता हूँ. ठीक है. अच्छा, एक इन्होंने कहा कि जो आईटीसी का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बैलेंस है, ठीक है, वो कौन सी डेट का देखा जाएगा, जिस डेट में डीमर्ज हुई या जिस डेट में आप आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपका उसी डेट का देखा जाएगा जिस डेट में आप आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो, उस डेट में ही जो आपका इनपुट खड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो. अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो वो तो मेरी देख लिया कि मैंने आईटीसी कौन सी डेट का देखना है, जिस डेट में आईटीसी 02 फाइल किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो मेरी वैल्यू ऑफ एसेट्स देखी जाएगी कि वो किस डेट में ट्रांसफर हुई है, तो वो कौन सी डेट की देखनी है फ्रेंड्स मुझे. तो फ्रेंड्स उसके लिए इन्होंने लिखा है कि जब आप डीमर्ज वगैरह करते हो ना, तो उसके लिए एक कंपनी एक्ट में अपॉइंटेड डेट फिक्स कर दी जाती है, तो उसी अपॉइंटेड डेट की वैल्यू ऑफ एसेट्स देखी जाएगी, उसी के हिसाब से ही आपका आईटीसी ट्रांसफर होएगा. मतलब कि फ्रेंड्स आईटीसी का बैलेंस तो आपको उस डेट का देखना है जिस डेट में आईटीसी 02 फाइल हो रहा होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो कब की देखी जाएगी, वो उस टाइम की देखी जाएगी फ्रेंड्स जब आपकी डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट होती है. पढ़ भी लेते हैं फ्रेंड्स. इन अदर वर्ड्स, फॉर द पर्पज ऑफ द अपोर्शनमेंट ऑफ द आईटीसी अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 41 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, व्हाइल द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स शुड बी टेकन एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ द डीमर्जर. ठीक है, द सेड रेशियो it to be applied on the ITC balance of the transferor on the date of filing of form ITC 02. मतलब जिस डेट में आप ITC 02 फाइल कर रहे हो उस डेट का कंसिडर किया जाएगा ITC balance. ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको वीडियो समझ आ गई होगी.